लंबो बनना चाहिए, लंबो ऊपर निकल जाए। नहीं नहीं ऊपर ओके हां जो ऊपर खा जाओ बात है छोटा छोटा पहले तो मैं जीवित आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये कोई बात का विषय नहीं है, लेकिन मैं सरकार को झुकाने के लिए, वो आईना दिखाने के लिए कल जो सर्व समाज विशाल जन आक्रोश जो रैली है, उस रैली के अंदर ज्यादा से ज्यादा बंधु लोग, छत्तीस कौम के भाई लोग कैसे आ सकते हैं? तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र से कैसे आएंगे, किस क्षेत्र से कैसे आएंगे, शेरगढ़ से कैसे आएंगे, कोसियों से कैसे आएंगे, लूणी से कैसे आएंगे, वो तो सभी जनप्रतिनिधि जन यहाँ पर बैठे हैं वो तय करेंगे। आदरणीय राठौड़ साहब बैठे हैं, पीछे बांडू साहब बैठे हैं, गोपाल सिंह साहब विराजे हैं, त्रिभुवन सिंह जी विराजे हैं, ये कहेंगे कि गांव से अधिक लोग कैसे आ सकते हैं। विशेष तौर पर छत्तीस कौम के जोधपुर शहर के अंदर मुझे लगता है कि 48 के आसपास विभिन्न समाजों के छात्रावास हैं, और सभी छात्रावासों को जोड़ के प्राइवेट और समाजों के 208 के आसपास छात्रावास है संपूर्ण जोधपुर के अंदर। और रातानाडा महामंदिर, पावटा, विजेश, आकड़िया, मसूरिया और चौपासनी, यहाँ पर कमरा निवासी जो कमरा लेकर रहते हैं मेरे बंधु, इन समस्त बंधुओं से, शहर के अंदर रहने वाले समस्त युवा साथियों से, छत्तीस कौम के युवा साथियों से, छत्तीस कौम के युवा साथी जो किसी न किसी छात्रावास के अंदर रहते हैं, जिन छात्रावासों की संख्या 500, 600 संख्या छात्रावास है, जिन छात्रावासों की तो बहुत बड़ी संख्या है, उन सभी से सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब अपना अमूल्य कीर्तिवान समय निकालकर कल का दिन उस पीड़ित परिवार को प्रदान करवाएं। अभी भाई लोग बोल रहे थे कि कल नेट बंद हो जाएगा, हो सकता है कि आज शाम तक बंद कर दे, तो मेरा केवल इतना निवेदन है कि आप कल अधिक से अधिक संख्या में प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ में 10-10 व्यक्तियों को लाकर अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। अभी मैं ज्यादा से ज्यादा छात्रावासों में खुद पहुंच जाऊंगा और सबको निवेदन भी करूंगा, और आप जो भी हो, जहां भी बैठे हो, आप पढ़ाई का टाइम निकाल के कल 6 घंटे इस आंदोलन के अंदर दें, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार निश्चित तौर पर झुकेगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। बड़ा दुख का विषय है कि जिस परिवार के अंदर पूरा गांव वीरान हो गया है, 33-33 अर्थियां जिस परिवार से, जिस गांव से उठती है, उससे बड़े दुख का विषय कोई हो नहीं सकता है। बड़ा संवेदनशील विषय है, कोई राजनीतिक विषय नहीं है, किसी जाति विशेष का विषय नहीं है, छत्तीस कौम का एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते हम सबका कर्तव्य नहीं अपितु दम का दायित्व बनता है इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं, आपसे पूर्ण भरोसा करता हूं कि कल क्या